हेलो एंड वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आपके लिए, और आप बोल रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों, क्योंकि मैं इस बार फिर से आपके लिए एक नहीं दो नहीं टोटल 5 गेम्स फिर से एक साथ फ्री लेके आ चुका हूँ। जैसे मैंने इससे पहले भी एक बनाया था वीडियो जिसमें टोटल 5 गेम्स आपको मैंने फ्री में बताए थे जो कि अभी भी फ्री चल रहे, तो आप वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और वो वीडियो आपको लास्ट में, आप इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो दिख जाएगा, तो पहले आप ये वीडियो चेकआउट कीजिए, उसके बाद वो वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। टोटल आपको 10 के 10 गेम्स आपको कैसे फ्री में क्लेम करना है आपको पता चल जाएगा। तो आज भी हम टोटल 5 गेम्स के बारे में फ्री में कैसे क्लेम करना है हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये गेम्स भी आपको सारी की सारी एपिक गेम्स पर ही मिलेगी। मैंने एपिक गेम्स पर बहुत ढूंढा और टोटल 5 गेम्स ऐसे और निकाली हैं जो कि आपको मेरे हिसाब से ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करिए कर दिया है तो आपने बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। और एक और बात, आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे लाइव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे और आप बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप, जैसा मैंने बोल दिया कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ये एक हमको पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। जैसे कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था टॉप 5 फ्री गेम्स ऑन एपिक गेम्स, उसमें टोटल 40+ व्यूज़ गए हैं और वो गेम्स पे रिस्पांस भी अच्छा खासा आया है जो कि नॉर्मली हमको नहीं आता, उससे तो ज़्यादा ही रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एपिक गेम्स क्या करना है। एपिक गेम्स स्टोर में आप 2 तरह से आप अपने गेम्स को क्लेम कर सकते हैं। या तो आपको अपने गूगल पे जाके epicgames.com को सर्च कर लीजिए और सेम जो प्रोसीजर epicgames.com सर्च कर, यहाँ से भी आप लॉगिन करके आप अपने जो गेम्स में नाम बताते जाऊँगा आपको सर्च करके क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप ये एपिक गेम्स का स्टोर खोल सकते हैं, अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। डाउनलोड तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और अगर आप PC में खेल रहे हो तो आपको बस एपिक गेम्स स्टोर करके क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको, जब आप epicgames.com की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एकदम टॉप कॉर्नर पे एक लिंक जैसा दिखेगा, ब्लू में मेंशनड होगा गेट एपिक गेम्स, और आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए, एक्साइटमेंट लेवल जैसे मैंने बढ़ा दिया था आपको, बाकी धीरे धीरे करके आपको 5 गेम्स के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे एपिक गेम्स की तरफ। तो एपिक गेम्स की तरफ बढ़ गए हम और सबसे पहले आप को कुछ नहीं करना, एपिक गेम्स में जाके सबसे पहले अपना आईडी लॉगिन कर लेना। आईडी लॉगिन करना मत भूलिएगा, नहीं तो गेम्स क्लेम नहीं होंगी, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको जाना है स्टोर पे और गेम्स के नाम में आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली गेम जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है डॉन्टलेस। और ये गेम के बारे में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, बट ये एपिक गेम्स पे बिल्कुल फ्री मिल रही है। गेम भी बहुत ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं है, बट गेम डिसेंट है। आपको, मेरे हिसाब से आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप RPG लवर हैं तो आपको ये डॉन्टलेस गेम ज़रूर पसंद आएगी। RPG एक, आप बोल सकते हैं, गेम का एक टाइप होता है, एक जॉनरा होता है। तो अगर आपको, आप RPG जॉनरा के गेम्स आपको पसंद है तो आपको ये गेम भी ज़रूर बिल्कुल पसंद आएगी ही आएगी। आपको बस कुछ नहीं करना था, जैसे मैंने बताया, आपको एपिक गेम स्टोर पे जाके सबसे पहले अपने लॉगिन कर लेना है अकाउंट। लॉगिन करने के बाद आपको डॉन्टलेस सर्च कर लेना है। डॉन्टलेस पर सर्च करने के बाद हम यहाँ पे गेट पे क्लिक कर लेंगे और ये हमारा पहला गेम का गेट होने का ऑप्शन, मतलब जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ 5 सेकेंड्स के आसपास का टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। यस, यहाँ पर एपिक गेम्स, थैंक यू। और ये गेम हमारी क्लेम हो चुकी है बहुत ही फास्ट। आई डोंट नो, इस बार तो मेरे को कार्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी अब फ्री गेम रखी है। मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए टोटल 5 गेम्स फिर से ढूंढ के लाया है। तो एक थम्स अप ज़रूर बनता है और आपने अपने ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि इसमें से बहुत सारी गेम मल्टीप्लेयर गेम भी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से अब दूसरी गेम की तरफ बढ़ लेते हैं। जो दूसरा गेम है उसका नाम है द साइकिल करके, एक सेकेंड, द साइकिल करके एक गेम है और अपने नाम पे मत जाइए। ये गेम भी अच्छा खासा डिसेंट है और गेम के ग्राफिक्स भी डिसेंट है। आपको ये गेम अगर आपको चाहिए तो आप एक बार आप ट्रेलर देखिए, ट्रेलर के, आप, मैं बोलूँगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये भी मल्टीप्लेयर गेम ही है, शूटर एक्शन मल्टीप्लेयर गेम है। और आपको, आप अगर ये गेम को थोड़ा टाइम खेलेंगे तो फिर आई थिंक आप इसमें भी एडिक्टिव हो जाएंगे। गेम उतना इतना तो एडिक्शन दिला देता है। तो बस सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है, हमको गेट पे क्लिक कर लेना है। गेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेम हमारा गेम ऑन हो जाएगा। इस बार आई डोंट नो क्योंकि ओके $0 पे आप मेरे को परचेस करना है, कुछ नहीं $0 नो। आपको यहाँ पे कार्ड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर जैसे ही करेंगे आपका गेम क्लेम हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में आपको सारी की सारी गेम्स आपको मैं लाइब्रेरी में भी दिखा दूंगा कि मेरी क्लेम होने के बाद वहाँ पे आ चुकी है, और डाउनलोड साइज़ भी मैं आपको सारी गेम्स का बता दूंगा। और हम जिस गेम के बारे में बात करना है, इस गेम का नाम कहीं ना कहीं से आपने ज़रूर सुना होगा, स्टार ट्रेक। और मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ वो स्टार ट्रेक ऑनलाइन। स्टार ट्रेक ऑनलाइन आपको सर्च कर लेना है। स्टार ट्रेक ऑनलाइन भी एपिक गेम्स पे बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आपको ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप यहाँ पे आ जाइए, स्टार ट्रेक ऑनलाइन सर्च कीजिए एपिक गेम स्टोर पे, और यहाँ पे गेट पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। गेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेम यहाँ पे आई थिंक सो इस बार कार्ड का ऑप्शन वापस आएगा। यस, लोडिंग योर ऑर्डर और प्लेस योर ऑर्डर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आपके टोटल 3 गेम्स पूरे हो चुके हैं, और ऐसे और भी आपको गेम्स चाहिए तो आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले ही बताया। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना है, ताकि जब भी कोई नया फ्री गेम आया हम आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे। और उसके साथ ही आपको दूसरे फ्री टू प्ले गेम्स भी मिलेंगे, और अगर गेम्स की न्यूज़ भी चाहिए तो हम भी उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। और एक फीडबैक के लिए आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं, और थम्स अप ज़रूर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि मल्टीप्लेयर गेम्स आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे टोटल 3 गेम्स के बारे में आपको बता दिया है। अब एक और गेम जो हमारा चौथा गेम है, पाथ ऑफ एक्साइल। ये गेम भी बहुत डिसेंट, ये गेम पाथ ऑफ एक्साइल तो आप सब ने सुनी होगी, ये मैं मान नहीं सकता पाथ ऑफ एक्साइल आपने नहीं सुनी। पाथ ऑफ एक्साइल मोस्ट ऑफ लोगों ने आप में से सुनी ही होगी। पाथ ऑफ एक्साइल सर्च कर लेना है एपिक गेम स्टोर पे, आपको ये भी फ्री मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स डिसेंट से तो अच्छी है इसमें। आपको ये गेम, आई नो ये थोड़ी पुरानी गेम है, ये आई थिंक सो GTA 5 के टाइम की गेम होगी। अक्टूबर 23, 2013, तो इसी 2013 में ही, मई के आसपास में या जून, आई डोंट नो, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। बट ये गेम उस टाइम पे मतलब 1-2 महीने का गैप आप समझ सकते हैं। 1-2 महीने पहले शायद GTA 5 लॉन्च हुई थी, उसके बाद ये लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे ग्राफिक्स पे इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता था। GTA 5 वॉज द कॉस्टलीस्ट गेम एवर उस टाइम का। तो पाथ ऑफ एक्साइल उस टाइम की गेम है, बट गेम बहुत ही मज़ेदार है। सेम RPG मोड, RPG जॉनरा गेम है। तो अगर आप RPG जॉनरा खेलते तो इसी सीरीज़ में मैंने आपको दो गेम्स बता दिए हैं RPG जॉनरा के। तो आपको ये गेम को क्लेम कैसे करना है, सेम प्रोसीजर, गेट पे क्लिक कर लेंगे। गेट पे क्लिक करने के बाद हमारा मे बी वो स्क्रीन लोड होगा। यस, स्क्रीन लोड होगा। कार्ट ऐड टू कार्ट हो चुका है। $0 का हमको पेमेंट इनिशिएट करना है। नो, वो भी नहीं करना पड़ा। तो ये पूरा का पूरा फ्री हो चुका है, इसलिए आई थिंक डोंट थिंक से इसमें कुछ और भी करना पड़ गया। तो टोटल 4 गेम्स मैं आपको बता चुका हूँ, और जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको ऐसे और भी गेम्स चाहिए तो हम ज़रूर लेके आएंगे। स्टीम पे भी हमारा सर्च चालू है, और जल्दी हम स्टीम के भी ऐसे 5 गेम्स की सीरीज़ चालू करेंगे। तो अब हम लास्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट गेम जिसका नाम है मैजिक द गैदरिंग अरीना। मैजिक द गैदरिंग अरीना आप सर्च कर लेंगे, और ये आ चुका हमारा मैजिक द गैदरिंग अरीना। वेट अ सेकेंड, ये गेम आप देख सकते हैं, गेम तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। जैन 16, 2020 इसी साल ये पहले महीने में लॉन्च हुआ है, और ये भी एक स्ट्रेटजी गेम है, कार्ड गेम है, बट डिसेंट गेम है। ये भी ग्राफिक्स तो अच्छे ही खासे हैं, क्योंकि इस साल रिलीज़ हुई थी, इस साल मोस्ट ऑफ गेम्स के ग्राफिक्स अच्छे खासे ही हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर, गेट पे क्लिक कर लेना है, और आपका ये 5वां गेम भी फ्री में क्लेम हो जाएगा। उसके बाद आपको सारी गेम्स का जो डाउनलोड साइड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस एक सेकेंड, मैं ये गेम क्लेम कर लेता हूँ। यस, ये फाइनली मैंने, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी उसी टाइम पे ही गेम क्लेम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने गेम क्लेम नहीं किया। जैसे मैंने बोला, ये गेम मैंने ढूंढी है, रिसर्च किया है एपिक गेम्स पूरा, उसके बाद जाके मेरे को मिले हैं। उसके बाद जस्ट मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी से पूछ लिया और क्लेम कर लिया, नहीं, मैं आपके सामने ही क्लेम कर रहा हूँ सारी की सारी गेम्स, और ये फ्री में ही है। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि मैं आपके अभी दिखा रहा हूँ फ्री में और बाद में पेड हो, ऐसा नहीं है। अब ये फ्री ही रहने वाली है, ये 90% या 100% गारंटी बोल सकता हूँ। ये पाँच गेम्स फ्री ही रहने वाली है, और इससे पहले भी मैं 5 गेम्स की वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप क्लेम कर लीजिएगा। उसमें बस रॉकेट लीग का एक अंदाज़ा नहीं बोल सकता कि रॉकेट लीग में भी चांस है कि नेक्स्ट ईयर तक पेड हो जाए या फिर भी कुछ, क्योंकि रॉकेट लीग का क्रेज़ फिर से बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं, फिर भी अब जो हमने 5 गेम्स क्लेम किए हैं मैं आप दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये डॉन्टलेस का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। डॉन्टलेस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉन्टलेस स्टार्ट हो गया। 10 GB की है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 10 GB की है गेम। मैं भी डाउनलोड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। फिर डॉन्टलेस एक्सपेरिमेंटल भी मैं पहले ही क्लेम कर चुका हूँ। और इसके बाद हमारी दूसरी गेम जो है मैजिक द गैदरिंग अरीना, ये गेम का साइज़ भी हम देख लेते हैं। मैजिक द गैदरिंग अरीना भी कुछ ज़्यादा गेम्स, ये सारी की गेम्स ज़्यादा बड़ी नहीं, ये तो बहुत ही छोटी गेम है दोस्तों। 200 MB जस्ट टोटल साइज़ कुछ 500 MB के आसपास है। 200 MB का वो होगा डाउनलोड साइज़, और DLC पैक्स में लगे 300 MB और होंगे। और इसके अलावा जो हमारे था एक और गेम पाथ ऑफ एक्साइल थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा नहीं। ये भी 10 GB के आसपास में ही होगी, ज़्यादा नहीं मेरे को लगती। तो चलिए इसका डाउनलोड साइड भी देख लेते हैं। इनिशियलाइजिंग हो रहा है, मे भी ये थोड़ी बड़ी हो। यस, 27 GB की गेम है, थोड़ी बड़ी है, क्योंकि पाथ ऑफ एक्साइल का अगर आपने नाम सुना होगा, पाथ ऑफ एक्साइल बहुत ही पॉपुलर रह चुकी है एक टाइम पे, अभी भी इसका क्रेज़ है। जो जॉनरा अलग है, बट जो इस जॉनरा के गेम्स खेलते हैं उनके लिए गेम अभी भी बहुत ही पॉपुलर है। तो आपको अगर ये फ्री में कैसे क्लेम करना है, तो बस आप हमारा वीडियो पूरा चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनमें से कोई RPG गेम्स खेलता हो तो उनको पता चल जाए, क्योंकि इस 5 गेम्स में से टोटल 3 गेम्स तो सिर्फ RPG है और मल्टीप्लेयर भी है। तो सीधी सी बात, आपको एंजॉय तो होने ही वाला है। तो उसके बाद ये स्टार ट्रेक ऑनलाइन में भी ये भी थोड़ी गेम बड़ी हो सकती है। लेट्स सी, टोटल ये गेम कुछ MBs में है, बहुत ही छोटी गेम है ये दोस्तों। तो 100 GB के अंदर तो आपकी सारी की सारी पाँचों गेम्स हो जाने वाली है, ज़्यादा तो आपका स्पेस ही नहीं जाने वाला। और ये गेम डिसेंट कंप्यूटर्स में भी चल जाने वाली है। तो आप ऐसा सोचेंगे मेरे पास हाई एंड कंप्यूटर नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट गेम आप देख सकते हैं, जहाँ से मैंने डॉन्टलेस 10.15 GB, मैजिक द गैदरिंग अरीना 483.73 MB, सॉरी, पाथ ऑफ एक्साइल 25 GB और 150 MB के पास स्टार ट्रेक ऑनलाइन है, और द साइकिल 21 GB। सबसे बड़ी पाथ ऑफ एक्साइल है, उसके बाद साइकिल है, और उसके बाद डॉन्टलेस है। और बट गेम्स पाँचों डिसेंट से भी, डिसेंट तो नहीं बट डिसेंट से अच्छी, डिसेंट से थोड़ा ऊपर आप बोल सकते हैं। जॉनरा के हिसाब से लोग इस जॉनरा में ज़्यादा फैंस नहीं मिलते आपको, इसी वजह से रिव्यूज़ और ये थोड़ा वो है। बट अगर आप इस जॉनरा के हिसाब से देखेंगे तो इस जॉनरा में ये जो आपको ग्राफिक्स मिलते हैं कि बेस्ट ग्राफिक्स में ही गिने जाते हैं, क्योंकि ये जॉनरा ही ऐसा है। ये जॉनरा में भी ऐसा नहीं है कि आपको GTA 5 की तरह आपको पूरे सिटी में रोम करके आपको ग्राफिक्स के नज़ारे लेने, नहीं। इसमें ये फाइटिंग गेम में RPG गेम है, और आप अगर RPG गेम्स आपने खेली होगी तो आपको पता चल जाएगा। और ये गेम्स का ये जॉनरा ही ऐसा है कि इसमें बेटर ग्राफिक्स देख के कोई मतलब नहीं रह जाता, समझे। तो अगर आपको ये पाँचों गेम्स क्लेम करनी है तो आपको बस कुछ नहीं करना, एपिक गेम्स को डाउनलोड कर लेना है और अपना लॉगिन करके 5 गेम्स के मैंने नाम बता दिए हैं, आपको सर्च कर लेना। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो भेजिए, ताकि वो लोग भी ये पाँचों गेम्स क्लेम कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।